हेलो गाइस, इस वीडियो में डिस्कस होगा कि केरला वेटनरी कॉलेज का कटअप क्या रहेगा क्या रहेगा। हर लोग का डाउट था, बता दो। ठीक है, उसी को रहेगा वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें दो कॉलेज आता है पहले केरला में, वो दोनों गवर्नमेंट है, त्रिशूल और पुकेटे पुकेटू जो भी पढ़ रहा है पढ़ाऊँ देख लेना। ओके, तो त्रिशूल और पुकेटे में जो भी वेटनरी कॉलेज है उसका कटअप राउंड वन में, राउंड टू, राउंड थ्री एंड राउंड फोर तक क्या गए थे हर कैटेगरी, चाहे वो आप जनरल, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, सब डिस्कस करेंगे। ओके, लोगों का बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था, बहुत लोगों का डाउट आ रहा था, कमेंट आ रहे थे मुझे इसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए। ओके, तो चले चलते हैं। अरे मैंने बोला क्यों देखते हैं भाई, कटअप क्यों देखते हैं, क्योंकि इसमें पता चलता है कि आप क्या कटअप के रेंज में हैं या नहीं। तो कटअप के रेंज में रहेंगे तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। अब किस रेंज में, किस राउंड में हैं, ये डिपेंड करता है। अब चलिए देखते हैं कि आप किस राउंड के लिए एलिजिबल हैं। ओके, तो आप देखो राउंड वन पहले फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें सारा मिक्स रहेगा, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी, एसटी। राउंड वन में किस कैटेगरी को कितने रैंक पे अलॉट किया गया था, कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया था, ये आपको नोट करना है। क्या नोट करना है कि आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सपोज आप जनरल से बिलोंग कर रहे हैं, तो राउंड वन में कितना रैंक को कौन सा कॉलेज अलॉट हो रहा है ये आपको लिखना है। यदि आप जनरल से हैं तो, यदि आप ओबीसी से हैं तो आपको ओबीसी का नोट डाउन करना है, एससी से हैं तो एससी का नोट डाउन करना है, और एसटी हैं तो एसटी से नोट डाउन करना है, ताकि आपको एक कंक्लूजन मिल जाएगा भाई इतने इतने रैंक को इस कॉलेज अलॉट हो रहा है। तो इससे आपको पता चलेगा कि मुझे एक कॉलेज मिलने को चांसेस हैं, क्योंकि जब भी हमको अलॉट कॉलेज हमको अलॉट हुआ था तो मैं भी यही आइडिया अपनाया था। ओके, कि भाई हाँ मेरे को कॉलेज मिलने के इसको चांसेस हैं, अच्छा खासा चांसेस हैं। तो क्या पता चला था, क्योंकि मैं कटअप देखा था, हाँ किसी का मैं वीडियो नहीं देखा था, मैं खुद देख रहा था वेबसाइट पर, खुद ये जो भी वीसा की वेबसाइट है ऑल इंडिया 50% कोटा के थ्रू, वो खुद प्रोवाइड कर रखी है कि भाई राउंड वन में किन किन रैंक को अलॉट किया गया है, कौन सा कॉलेज को अलॉट किया गया है। बस हम इसमें एक क्या कर देते हैं, टाइम बचाने के लिए मैं वीडियो बना देता हूँ कि हर एक कॉलेज को यहाँ पे इंडिविजुअली खोजना पड़ेगा पीडीएफ में, बट हम इसको क्या कर दें एक जगह, एक मतलब क्या कर दें सबका एक करेक्टर निकालेंगे भाई, हाँ एक जगह कॉमन निकाल लेते हैं कि इसका कटअप क्या गया था हर कॉलेज का। ठीक है, बस इसी पर्पज़ से वीडियो है। ठीक है, तो आपको चाहिए किस रैंक को, किसने रैंक पे कौन सा कॉलेज अलॉट हो रहा है, तो अब देखते हैं। ओके, तो देखो इसमें वेटनरी कॉलेज कितने रैंक पे, दो ही कॉलेज हैं, त्रिशूल कितने रैंक को मिल रहा है, कितने रैंक वाले को, और पुकट कितना कॉलेज कितना रैंक वाले को मिल रहा है। ओके, तो अब चलते हैं। जैसे राउंड वन में पहला कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस को उठाया गया था, मतलब अलॉट किया था कितना रैंक से, 38,000 पे कॉलेज कौन सा त्रिशूल वाला केरल का वेटनरी कॉलेज अलॉट किया गया था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। समझ लो फिर से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 40,000 पे अलॉट किया गया था, मतलब ये सब जो रैंक है, मतलब इस सब रैंक को अलॉट किया गया, मतलब आपका रैंक ये सब रहेगा तो वो कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, देन देखो कि ओबीसी कैटेगरी को 50,000 पे अलॉट किया, 50,000 समथिंग रैंक। ओके, यहाँ पे क्या है, एक हमको एक कन्फ्यूजन बता दो, ये रैंक है ऑल इंडिया रैंक है। ठीक है, ये कॉलेजेस का नाम है और यहाँ पे कैटेगरी है। ओके, तो ये आपको ध्यान देना है हर बार। अब देखो जनरल कैटेगरी को कितना रैंक पे अलॉट किया गया है, केरल पुकेटे का वेटनरी कॉलेज, क्या है प्रोनाउंस है, पुकट पुकुड जो भी आप पुकुड देख लेना। ओके, तो ये पुकुड़े वाला जो वेटनरी कॉलेज है 58,000 समथिंग रैंक को अलॉट किया गया है। ओके, देन फिर ओबीसी को अलॉट किया गया 58,000 समथिंग रैंक को त्रिशूल वेटनरी कॉलेज, देन फिर जनरल कैटेगरी को अलॉट किया गया है त्रिशूल एंड पुकुड़े वाला वेटनरी कॉलेज 61,000 पे। ठीक है, तो आपको लास्ट में पता चलेगा राउंड वन में कितने रैंक का मिलता है। तो अपना बस क्या करना है, कॉपी में नोट डाउन करना है किस किस रैंक को अलॉट किया गया है कितने रैंक पे। ओके, जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वहाँ पे डिपेंड करता है, बट नोट डाउन करोगे तो बाद में डाउट आएगा कि भाई मेरा क्या था कट ऑफ, फिर वीडियो देखोगे, ये नहीं करना। ओके, ये देखो देखना है, करना है तो करना फिर, बट देखो पुकेटे का वेटनरी कॉलेज जनरल इन केस में देखो 64,826 पे वेटनरी कॉलेज में आपको मिला गया था, अलॉट किया गया था पुकेट वेटनरी कॉलेज। फिर से ओबीसी को 65,000 समथिंग रैंक पे त्रिशूल वेटनरी कॉलेज अलॉट हुआ था ओबीसी का, फिर 69 तक गया था, और कहाँ तक जाएगा ये ओबीसी का, 72,000 तक भी मिला है। ओके, राउंड वन में फिर से 73,000 में भी मिला है, 82 पे मिला है, 82,000 पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को मिला है, फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 91,000 पे मिला है। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे क्लोजिंग हो जाता है, तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला कि राउंड वन में यदि आपका रैंक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से यदि हैं तो 91,000 के आसपास रैंक होना चाहिए, मतलब इसके अंदर होना चाहिए रैंक, तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। तो मतलब 91,000 के अंदर हैं तो राउंड में कॉलेज मिलने के चांसेस हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले को। ओके, देन आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस का देख लिए तो ओबीसी का क्या था क्लोजिंग रैंक, तो 73,000 समथिंग रैंक को क्लोजिंग रैंक है राउंड वन का। समझ बात है, मतलब यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं आपका रैंक राउंड वन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यदि आपका रैंक 73,000 के अंदर है तो वो कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, नहीं चांसेस ना, पूरी तरह चांसेस है। ओके, थोड़ा सा अप डाउन चलता है बट ऑन जनरल उसी को पैटर्न फॉलो करता है कटअप का। ठीक है, सपोज आपका 1,00,000 भी है, अब यदि आप 1,00,000 किस कैटेगरी में बात करें ओबीसी का, ओके इसमें 25,000 हम हमेशा प्लस माइनस लेके चलते हैं, 25,000 प्लस माइनस, जैसे यहाँ पर 73,000 के आसपास है, इसमें 25 माइनस मतलब 1,00,000 के आसपास, तो 1,00,000 भी आपका रैंक है तो राउंड वन में मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो राउंड वन में पार्टिसिपेट करना एक रैंक वाले तक। ओके, मिलने का पूरी गारंटी हम देते हैं 73,000 तक, मतलब 75,000 तक, उसके अलावा 1,00,000 के आसपास तो मिलने के चांसेस कम है, क्योंकि पैटर्न तो देख रहे हो ना, 25,000
1000 एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, इतना तो नहीं जाता ठीक है, बट हाँ ऑन एवरेज हम ले लेते हैं। तो क्लोजिंग रैंक समझ भाई ओबीसी का देख लिया, देन अब जनरल का क्लोजिंग रैंक क्या है 64826 ये क्लोजिंग रैंक है। तो लास्ट अलॉटमेंट रैंक का वो जनरल कैटेगरी के लिए इतने रैंक पे अलॉट किया गया था। देन अब दो कैटेगरी बच जाती है एससी एंड एसटी का राउंड वन में केस में। तो एससी का देखो 192720 रैंक पे अलॉट किया गया, त्रिशूल वेटनरी कॉलेज फिर से 1,94,461 रैंक पे अलॉट किया गया है। ओके देन अब देखो एससी कैटेगरी के लिए फिर से तीन कैटेगरी को यहाँ पर अलॉट किया गया है। तो कौन कौन से कैटेगरी का है, तो यहाँ से पता चलेगा कितने कितने का रैंक को पार्टिसिपेट करना था, रैंक को अलॉट किया गया 94,000 समथिंग रैंक किया है, 96,243 पे रैंक पे अलॉट किया गया, फिर 97 पे 97,000 पे रैंक पे अलॉट किया गया है। तो आपको नोट डाउन क्या करना था, नोट डाउन यही करना है कि हम एससी कैटेगरी से यदि बिलोंग करते हैं तो 96 पे भी अलॉट किया गया, 96,000 पे भी, 97 पे भी अलॉट किया गया। अब केरल का दो वेटनरी कॉलेज है, कौन सा वेटनरी कॉलेज अलॉट किया गया ये ध्यान लिख लेना, आपको पुडी के नीचे वाला है ऊपर वाला त्रिशूल वाला है यही तो आपको लिखना है ठीक है, इतना इतना रैंक वाले को इस वेटनरी कॉलेज अलॉट हुआ है, समझ बात है। एससी कैटेगरी फिर से 1,99,000 समथिंग रैंक को फिर से मिला है केरल पुडी के वेटनरी कॉलेज। देन एसटी कैटेगरी तो यहाँ पे क्लोजिंग हो जाता है, एससी कैटेगरी कितना रैंक पे 1,99,000 समथिंग रैंक, मतलब वो 2,00,000, तो 2,00,000 तक कॉलेज मिला है। तो पूरी गारंटी मैं कहाँ तक लेता हूँ कि आपको कॉलेज अलॉट होगी कि नहीं होगी राउंड वन में एससी कैटेगरी के लिए, यदि आपका 1,99,000 या फिर 2,00,000 मान लो 2,00,000 के अंदर का आपका रैंक है तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। पूरी गारंटी जो इतना अलॉट हुआ है इसके अंदर है तो पूरी गारंटी लेता हूँ, बाकी इधर का हम गारंटी नहीं लेते अबव का। ओके देन देखो एसटी कैटेगरी स्टार्ट होता है 1,37,000 समथिंग रैंक को त्रिशूल वेटनरी कॉलेज। ओके देन पुडी के वेटनरी कॉलेज 1,40,000 समथिंग। देन अब देखो राउंड टू स्टार्ट होता है कि राउंड टू स्टार्ट होता है इसमें कौन सा कैटेगरी को कितना रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला है देखने को मिलेगा। ओबीसी को देखो त्रिशूल वेटनरी कॉलेज, मद्रास वेटनरी कॉलेज इतना रैंक पे मद्रास वेटनरी कॉलेज अलॉट हुआ था ओबीसी का ही, बट राउंड टू में ये राउंड वन का केस है मद्रास वाला राउंड वन में अलॉट हुआ था, बट त्रिशूल वाला उसी रैंक पे त्रिशूल वेटनरी कॉलेज मिला था ओबीसी कैटेगरी को। ओके अब जनरल कैटेगरी को 49,000 समथिंग रैंक को त्रिशूल वेटनरी कॉलेज हुआ, फिर जाके कैसे अलॉट होता है कितना रैंक पे 49,000 समथिंग रैंक पे, फिर 69 पे रैंक पे अलॉट हुआ है ओबीसी को, फिर 73 रैंक पे अलॉट हुआ है, अगेन 73,000 समथिंग रैंक पे अलॉट हुआ है। आपको नोट डाउन करना है बस किस कैटेगरी से आपका काम है। ओके अब देखो एचडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए राउंड टू में कहाँ से रैंक पे मिला है आपको, क्या बोलते हैं ये 95,000 समथिंग रैंक पे मिला है, फिर 96,000 समथिंग रैंक वाले को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से मिला। जनरल का देखो 99,000 तक मिल गया है, 99,000 समझो लगभग 1,00,000 के आसपास कॉलेज मिला है, लेकिन प्राइवेट मिला है, सॉरी ये गलत है, नहीं मिला है केरल का वेटनरी कॉलेज नहीं मिला है, सॉरी इतना जनरल तक नहीं जाता, वही तो सोच रहा हूँ जनरल कितना कैसे खर्च चल गया इतना नहीं जाता। ओके तो ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 96 तक जाता है क्लोजिंग रैंक, मतलब इतना अंदर है तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस, यदि आप ओबीसी हैं तो 73 तक के अंदर है तो मिलेगा। और जनरल का राउंड टू में तो देख लिया राउंड का वन ही का देखो ठीक है। अब एससी का स्टार्ट है 2,00,000 समथिंग से स्टार्ट हो रहा है, 2,00,000 समथिंग से अलॉट हुआ है, फिर 2,08,000 समथिंग को अलॉट हुआ है, अब दो राउंड खत्म होता है। तो एससी का सेकंड राउंड का क्लोजिंग रैंक 2,00,000 समथिंग तक है। ओके समथिंग मतलब देख लेना। देन है मॉपअप, मॉपअप जो होता है थर्ड राउंड होता है, इसमें किस कैटेगरी पर अलॉट हुआ है जनरल 76 तक भी मिला है, 76,000 तक, ओके 93,000 ओबीसी को, अब जाके दोनों क्लोजिंग हो जाता है, यहीं जाके रैंक बंद हो जाता है बस, समझ बात है। राउंड स्टे राउंड का नहीं बात कर रहे हैं, मोपो राउंड का होता है थर्ड राउंड का ठीक है। तो यह 93 यह ओबीसी का 93,000 तक गया है, एससी का स्टार्ट होता है 2,16,000 समथिंग, 2,24,000 तक भी मिला है। ओके तो यह लास्ट एससी कैटेगरी को अलॉट हुआ, एसटी का कोई वैकेंट नहीं था तो नहीं मिला है। ओके बट आप स्टेट कोटा केरला से के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो अप्लाई कर देना, स्टेट केरला से तो ही। ओके देन आप देखना एससी कैटेगरी के लिए 2,24,000 समथिंग है, फिर यहाँ पे स्टे राउंड देखो, स्टे राउंड जो होता है ऑफलाइन, ये ऑफलाइन होता है, इसके लिए क्या करना होता है आपको ऑफलाइन जाना होता है न्यू दिल्ली बीसीआई सेंटर। ओके तो इसमें खुदा ने खास कोई सी क्या बोलते हो सीट वैकेंट ही नहीं थी मॉपअप राउंड मतलब स्टे राउंड के लिए। ओके केरला साउथ कॉलेज है, फिर भी सीट वैकेंट नहीं थी लास्ट राउंड कोई भी कैटेगरी के लिए, इसलिए किसी को भी अलॉट नहीं हुआ था लास्ट स्टे राउंड में, समय बात है। तो ये इससे क्या कन्फ्यूजन निकलता है कि आप कटअप के रेंज में हैं तो कॉलेज मिलेगा, इसलिए तो कटअप रेंज बताएं आपको, अब ऐसे मार्क्स नहीं बता रहे हैं रैंक बना रहे हैं, ताकि यहाँ पे कॉलेज को अलॉट होता है रैंक को देखे ठीक है। रैंक आपको देखना है, स्कोर मत देखना, आपका नीट का ऑल इंडिया रैंक क्या है वो देखो और मैच करो कि आपका क्या ही कटअप रेंज से मैच कर रहा है नहीं, यदि मैच नहीं कर रहा है तो फिर मुश्किल है कॉलेज मिलेगा। ओके मुश्किल क्या है हम देखें 2021 से देख रहे हैं कि भाई रेंज उसी को फॉलो करता है, थोड़ा सा 10-20 देख लेते हैं अप डाउन, बाकी ज़्यादा अप डाउन नहीं जाता ठीक है। ऑल इंडिया 50% कटअप था, ये ध्यान रहे, स्टेट कोटा का 85% वाला सीट वाला नहीं है, 15% वाला सीट वाला कटअप है। ओके जो विषय के थ्रू कटअप जाती है ना, अलॉट होती है ना ऑल इंडिया वेटनरी काउंसिलिंग इंडिया, तो उसी के थ्रू ये कटअप है। ओके इसके रिगार्डिंग और कोई इशू रहता है डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन
मैसेज करना, मैं रिप्लाई करूँगा जितना जल्द हो सके। ठीक है, अब ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टाटा।